व्हाट्सएप रेडियम नोवा रे दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं डेवलपर्स वर्सेस हैकर्स के बारे में, कि डेवलपर्स कौन होते हैं और हैकर्स कौन होते हैं, दोनों के काम करने का तरीका क्या होता है, और एक डेवलपर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और एक हैकर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना दबाना आपकी मर्जी है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेवलपर के बारे में कि डेवलपर कौन होता है। देखिए, डेवलपर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है। वो जावा में एक्सपर्ट हो सकता है, वो C++ में एक्सपर्ट हो सकता है, वो HTML में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट होते हैं, और उसी लैंग्वेज में वो किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन या फिर कोई सॉफ्टवेयर या फिर किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ये आपको हर तरह की कंपनी में आपको ये मिल जाएंगे, किसी भी कंपनी में आपको डेवलपर जो है वो मिल जाएगा, जो भी IT कंपनीज वगैरह होती हैं उनमें। और डेवलपर्स जो होते हैं भाई, ये लोग काम करते हैं कि पैसे ले लिए या फिर काम करके दे दिया और इनको पैसे मिल गए, फिर आराम से घर पर आकर बैठ जाते हैं। इनकी स्टडी क्या होती है कि ये लोग किसी पर्टिकुलर, सबसे पहले तो कोई डिग्री लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी कॉलेज से, उसके बाद ये फिर ये लोग किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, उसमें ये लोग फिर एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसके बाद फिर ये लोग उसमें अपनी जो एप्लीकेशन होती हैं वो बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये होते हैं डेवलपर्स। अब हम लोग बात करते हैं हैकर्स के बारे में कि हैकर्स कौन होते हैं। देखिए, हैकर कोई भी हो, चाहे ब्लैक हैट हो चाहे वो व्हाइट हैट हो, दोनों को नॉलेज जो होती है वो सेम होती है, लेकिन उसका यूज ये लोग किस काम के लिए करते हैं वो डिपेंड करता है कि ये लोग ब्लैक हैट है या फिर ये लोग व्हाइट हैट है। अगर तो ये लोग भाई किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए ये लोग अपनी नॉलेज का यूज कर रहे हैं, तब तो ये लोग होते हैं व्हाइट हैट। अगर वही हैकर अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है किसी गलत काम में, तो वो हो जाएगा ब्लैक हैट। नॉलेज दोनों को सेम होती है, लेकिन इनके काम करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हैकर्स होते कौन है। देखिए, ये वो लोग होते हैं जो किसी भी सिस्टम है, यानी कि डेवलपर के द्वारा बनाई हुई किसी भी एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, किसी वेबसाइट में जो लोग लूप होल ढूंढ लेते हैं और कंपनी को बता देते हैं कि भाई आपकी सिक्योरिटी को यहां से बाईपास किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं हैकर्स, इथिकल हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो कंपनी को नहीं बताते हैं, वो वहां पर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं और उनका डाटा जो होता है वो चुरा लेते हैं, फिर उसे अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं, उन्हें हम कह देते हैं ब्लैक हैट हैकर। जो लोग उनको बता देते हैं और उस चीज को फिक्स कर देते हैं, उन्हें हम कह देते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। अब एक हैकर बनने के लिए कौन सी चीज, हमें कौन सी स्टडी करनी चाहिए। देखिए, हैकर्स का कोई पक्का सिलेबस नहीं होता है, ये लोग किसी कॉलेज से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं लेते हैं, हालांकि ले भी लेते हैं, यानी कि आप डिग्री लेने के बाद भी आप हैकिंग सीख सकते हो। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो किसी एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो डेवलपर्स होते हैं वो किसी एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हैकर्स जो होते हैं भाई, उन्हें हर तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए, उन्हें जावा भी आना चाहिए, उन्हें HTML, उन्हें C++, उन्हें पाइथन, उन्हें रूबी, हर तरह की लैंग्वेज उन्हें आनी चाहिए। उसके बाद फिर वो लोग उस अगर किसी भी लैंग्वेज में बनाए हुए सॉफ्टवेयर में फिर वो लोग जो लूप होल्स होते हैं वो ढूंढ लेते हैं। और हैकर्स का जो काम होता है भाई, वो होता है स्पीड का। वो लोग अटैक करने से पहले कह देते हैं कि भाई 5 मिनट हैं, आप लोग अपनी वेबसाइट को बचा लो, फिर उतने ही टाइम में उनका फटाफट वो लोग अपना काम करते हैं और उसी टाइम के बीच में वो लोग अटैक करते हैं। हैकर्स का जो काम होता है भाई, वो टाइम का काम होता है, यानी कि स्पीड का काम होता है। वो एक पर्टिकुलर टाइम, यानी कि 5 मिनट, अगर उन्हें कह दिया कि हाँ भाई 5 मिनट है, तो 5 मिनट में वो लोग अटैक कर देते हैं। और हैकर्स से जो होते हैं भाई, इनसे सबसे ज्यादा घबराते हैं डेवलपर्स, क्योंकि जब एक हैकर आता है तभी डेवलपर को पता चलता है कि हाँ, क्योंकि डेवलपर जो होता है उसे ये लग रहा होता है कि मेरा सिस्टम तो कोई हैक कर ही नहीं सकता, हर डेवलपर को यही होता है। लेकिन जब एक हैकर आता है तब डेवलपर घबरा जाता है कि ये क्या कर दिया इसने, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं भाई, वो फटाफट अपना काम कर देते हैं, उसकी 6-7 महीने की मेहनत में जो वो सॉफ्टवेयर या फिर किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करता है, वो 5 मिनट में बता देता है कि यहाँ पर लूप होल है। तो एक हैकर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा, इनसे डेवलपर्स घबराते हैं, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं भाई, वो इनकी इतनी बड़ी मेहनत को 5 मिनट में मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। जो डेवलपर्स होते हैं भाई, उनका काम बहुत बड़ा होता है, वो पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। लेकिन हैकर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें लूप होल ढूंढ लेते हैं। हैकर पूरी एप्लीकेशन को डिजाइन नहीं करते, वो डेवलपर्स ही करते हैं, लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लूप होल ढूंढ लेते हैं। हैकर्स का काम यही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हैकर्स और डेवलपर्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।